आप सभी को मेरा नमस्कार। हेलो, आप सब कैसे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू। तो दम आलू बनाने से पहले, इस रेसिपी को दम आलू बनाने से पहले, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए पसंद आए तो। तो ठीक है, आज हम चलते हैं दम आलू बनाने के लिए। तो दम आलू बनाने की मैंने पूरी तैयारी कर ली, चलिए आप भी देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने 600 ग्राम के करीब आलू लिया है और इसको बॉयल कर लिया है और हल्की एक सीटी में बॉयल किया। और इसको जो है, आलू को ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, हल्का एक सीटी लगाएंगे, ताकि ये देखिए टूथपिक से इसको हम इस तरह से आलू को ऐसे छेद कर लेंगे ताकि तलते समय आलू अच्छी तरह से तल जाए दम आलू बनाने के लिए। और इसके अलावा जो है, मैंने जो है कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच लिया है और 1 चम्मच जो है गरम मसाला है, 1 चम्मच जो है कस्तूरी मेथी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चम्मच जीरा है। तो हम इसके बाद जो है, ये जब हम तड़का लगाएंगे, तो इस तड़के में जो है 2 तेज़पत्ता है, 2 छोटी इलायची है और 4 लौंग है, 2 लाल मिर्च है सूखे वाले और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ठीक है, और जब मैं इसको बनाऊंगी तो इसके लिए जो है, मैंने देखिए 2 टमाटर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं और ये 2 अदरक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, 6 से 7 कलियां लहसुन की और 1 जो है हरी मिर्च है। तो दम आलू बनाने के लिए ये मैंने तैयारी की। अब चलिए देखिए, चलते बनाते हैं। ये देखिए टूथपिक से हम इसको कर रहे हैं। ये देखिए अब इसको हम निकाल रहे हैं। ये देखिए अब इसको हम ठंडा करके और ग्राइंड कर लेंगे। दो मिनट के लिए इसको अभी हम ढक देंगे, इसके बाद तब फिर देखिए अब इसको हम थोड़ा से चला करके ग्रेवी मेरी खूब अच्छी तरह से हो गई है। ये देखिए दम आलू बन करके तैयार हो गया है। अब इसे हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए दम आलू हमारी बनकर तैयार हो गई है। और आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। दम आलू अच्छा बना हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे।